गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान ने देव आनंद को अपना स्टार मेकर माना है। जीनत ने कहा कि अपनी फिल्म हलचल से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी, वो परिवार सहित देश छोड़ने वाली थी। तभी उनके पास एक कॉल आया, ये कॉल देव आनंद साहब की तरफ से था। उन्होंने जीनत को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा ऑफर कर दी। इस फिल्म के बाद जीनत रातों रात स्टार बन गई। जीनत ने बताया कि उनके और देवानंद के बीच 30 साल का फासला था, शायद इसी वजह से उन्होंने जीनत को हरे रामा हरे कृष्णा में अपनी बहन का रोल दिया था। जीनत अमान ने कुछ वक्त पहले इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था, अब वो इसके जरिए अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अनकही बातें शेयर करती हैं। उन्होंने देवानंद को लेकर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, जब भी कोई एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने की सोचता है तो उसे एक स्टार मेकर की ज़रूरत होती है। मेरे लिए इस भूमिका को देवानंद साहब ने पूरा किया। 1970 का वक्त था, मेरी पहली फिल्म के मेकर ओपी रहन मुझे लेकर थोड़े दुखी थे क्योंकि उन्होंने मुझे फिल्म हलचल में एक छोटी सी भूमिका दी थी। उस वक्त देव साहब अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए कास्टिंग कर रहे थे। ओपी रहन ने उन्हें मेरे नाम का सुझाव दिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।